दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ज्यादातर प्रेजेंटेशन ही अमेजिंग होती है और हम नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अपकमिंग मूवीज के बारे में जिन्हें रिलीज की जा रही है नेटफ्लिक्स पर, वो भी 2023 में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग अपकमिंग नेटफ्लिक्स मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, मर्डर मिस्ट्री पार्ट 2। मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी के कॉन्सेप्ट में आप फिर से देख पाएंगे एक ऐसे कपल को जो कि अनजाने में ही बहुत सारे मिस्टीरियस केस सॉल्व कर देते हैं। और इस बार वो कौन से मिस्टीरियस केस को सॉल्व करते हैं ये तो हमें इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी रिलीज की जा रही है 31 मार्च 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की जा रही है। नंबर 9, हार्ट ऑफ स्टोन। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक डेडलीस्ट स्पाई से जिसे एक डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है। उस टास्क को वो किस तरह कंप्लीट करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 11th अगस्त 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8, डांसेल। मूवी बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक प्रिंसेस से जो कि एक डेडलीस्ट एडवेंचर पर निकलती है। और उसकी एडवेंचर कितनी ज़्यादा डेडलीस्ट होती है ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मूवी रिलीज की जा रही है 13th अगस्त 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 7, लिफ्ट। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल मर्डर केस से और कंप्लीट मूवी में इसी मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मूवी रिलीज की जा रही है 25th अगस्त 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 6, अ फैमिली अफेयर। मूवी बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे मॉम से जिसका अफेयर एक यंग लड़के से हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी इस अफेयर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और लास्ट तक इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 17th नवंबर 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 5, द किलर। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी एक्चुअल में एक किलर के लाइफ को दिखाने वाली है, यानी कि वो अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और लास्ट तक इस किलर का अंजाम क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे मूवी में दिखाने की कोशिश की जाएगी। मूवी रिलीज की जा रही है 10th नवंबर 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4, लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक डेडलीस्ट वायरस से जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और असल में ये चेंजेस कहां तक जाती है यही सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की जा रही है 8th दिसंबर 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 3, पेन हस्टलर्स। मूवी बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक कैसीनो खोलने के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने इस प्लान को वो किस तरह सक्सेस करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। मूवी रिलीज की जा रही है 27th अक्टूबर 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, रिबेल मून। दोस्तों, इस मूवी का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। मूवी बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट मूवी एक्चुअल में डीसी की प्रेजेंटेशन है। मूवी की स्टोरी फिलहाल अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन इतना तो तय है कि ये कंप्लीट मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट रहने वाली है। मूवी रिलीज की जा रही है 22nd दिसंबर 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टर पार्ट 2। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी फिर से शुरू होती है क्रिस से जिसे एक फिर से डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है और उस टास्क को वो किस तरह कंप्लीट करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। मूवी रिलीज की जा रही है 16th जून 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।